अब देखिए जन्म कैसे होगा महाराज जी का, आप लोग ध्यान से सुनेंगे क्योंकि कैसेट में मैं थोड़ा सा शॉर्ट में गाता हूँ और जब महफिल में होता है तो उसको विस्तार से ले जाता हूँ क्योंकि कैसेट में टाइम नहीं मिलता। ओनली फिक्स 58 मिनट मिलती है, चाहे गाय ले और चाहे रो ले चाहे कुछ बोल ले। तीसरा जो पिंड मेरे गर्भ में पल रहा है, मुझे आभास हो रहा है कि अब की जो पुत्र मेरे गर्भ से होगा वो कोई अद्भुत बालक नहीं होगा, क्योंकि ये बात हकीकत है। जब माँ के गर्भ में जब पिंड बनता है तो माँ को आभास हो जाता है, ये हकीकत बात है। वैसे तो लिखा है कवियों ने कि दो मन की लाड लदी है, नौ मन की लाड लदी है और दो मन की है भरती और पल्लेदार पतो ही ना चरण भरो कैसी। समझ रहे हैं, देखो बात क्लियर है, साफ सुथरी बात है। दो मन की लाड लदी है, दो मन जानते हैं नर और नारी, दो मन की लाड लदी है, नौ मन की है भरती, पल्लेदार किसको बोलते हैं, बोझा ढोने वाले को। माँ को ये पता है कि मेरे गर्भ के अंदर लड़की है कि लड़का है, किसी को पता है, किसी को नहीं मालूम, लेकिन माँ को आभास होगा। और भैया कहा हो, अरे धीरे धीरे बड़ी जोते हसे हमारे संग आप तो घरे समीटा वाले हमारे भाई ऐसे हैं कि उनको आंखों से दिखता नहीं है लेकिन बड़ी उठापटांग में बैठे हैं। वे बोलेगा भैया प्रोग्राम बंद कर, मैंने कहा बंद कर दिया चक्कर का, तो भैया पूछ ले जा पा कष्ट आ
कार्यक्रम बंद करो। हमने कही अम्मा जी बताए है हमको तुम अंधे में बैठ जाते मन तो रोई रही है ओकम भारी जो तसे रही है चक्कर का है। रुकैया बोली बेटा जाए मत पूछे अगर अपने जाए पूछ ले को तो फिर हमारी बंद करना पड़ेगा। हमने कही भाई बंद है जा लेकर बताए। रुकैया बोली बेटा ऐसे तो हम अंधे में रह के अच्छो गए। ओ हम बेटा नहीं तो चलो जी बात तो ठीक है सर अच्छा गाना लगता है तो आदमी हंसता है या फिर उसी सुनता है दोही काम है। ओ मैंने जी लियो बताओ जो नीचे को नारी करी करे टुसुक टुसुक काई कर रहे कही आ गया ले जाए अम्मा बता नहीं पर रही अम्मा बोली बेटा अब तो बंदी हो रही कष्ट है रो मेरे बारे में कैसे के कल हमारी जी थाने की भैंस गाय पड़ी सो आए हो पड़ा। मेरे की अम्मा जी बता तू पढ़ा दे मां बाप को देखो नहीं बात सुन ले टुटू कहिया बोली बेटा जिठानी की भैंस पड़ा बहु संज्ञा को और रेंग रेंग के रेंग रेंग पड़ा रेंग रेंग पड़ा सवेरे चार बजे तो जी बकारी करे बेटा यही चक्कर में भारी दुकाने को पड़ा नहीं सुनाई बेटा चिल्ला चिल्ला के तू मरी मन जी कैसे बाबा के कहने लगता कभी कष्ट तो ना है ये तो लगे रहो।